सारी की सारी मॉडल्स ऐसी दिखती हैं? ऐसी दिखती है तो फिर टॉकिंग्स कैसे करती हैं? ऐसे ना, हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आपको देख, इसे देख और मुझे देख, लग रहे ना डिटो कॉपी, सेम टू सेम, सेम टू सेम मछली जैसे। दफा डिसाइडेड। राजदीप के बिजनेस टूर से लौटने से पहले मुझे अपनी लुक चेंज करनी है। मैं बोर हो गई हूँ सेम रोज इसी लुक से। प्लीज अगर लुक चेंज करनी है तो मेकअप चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज करो। यू मीन द मेकिंग द ओवर? मास्टर प्लानिंग। क्या आप ना अपनी हेयर स्टाइलिंग चेंज करा लो। हेयर स्टाइलिंग नॉट अ बैड आइडिया। चल तुम उसमें देखो, मैं इसमें देखती हूँ। बड़े सारे हैं इसमें, मैं बताती हूँ। सुपर, मिल गया यही वाला है। डॉली कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। ये ऐसे अपस्टैंडिंग बाल ठीक लगेंगे? डॉली उसको अपस्टैंडिंग नहीं कहते, आउटस्टैंडिंग कहते, आउटस्टैंडिंग लुक। राजदीप तो बस देखते रह जाएंगे। अच्छा पर एक प्रॉब्लम है, कराए किससे कट? आइडिया, हमारे घर के पास एक नया सलून नहीं खुला? कौन सा? देखा नहीं तुमने? नहीं। वो बड़ा प्यारा सा नाम है, वो क्या? बिल्लू, बिल्लू बार्बर। बिल्लू बार्बर? हाँ, मेरी फ्रेंड अभी अभी वहाँ से हेयर कट करा के आई है। ओ, ओ, फैंटास्टिक रिजल्ट। अच्छा चलो हम भी लेते हैं फैंटास्टिक रिजल्ट। बिल्लू बार्बर, हियर वी कम। द नेम इज बिल्लू, बिल्लू बार्बर। हेलो, यही है वो। ये आपको ना बिल्कुल सेम टू सेम स्टाइलिंग करनी है। ये आपके ऊपर? यस। कितना सुंदर चेहरा है आपका, ये क्या करना चाह रही है? वो क्या है ना, इनको अपने हस्बैंड के लिए किलर लुक चाहिए। किलर? आप चाहती हैं कि इनके हस्बैंड देख के मर जाए? सारी की सारी मॉडल्स ऐसी दिखती हैं? ऐसी दिखती है तो फिर टॉकिंग्स कैसे करती हैं? ऐसे ना, हेलो हाउ आर यू? फाइन थैंक यू। आपको देख, इसे देख और मुझे देख, लग रहे ना डिटो कॉपी, सेम टू सेम, सेम टू सेम मछली जैसे। दफा डिसाइडेड। राजदीप के बिजनेस टूर से लौटने से पहले मुझे अपनी लुक चेंज करनी है। मैं बोर हो गई हूँ सेम रोज इसी लुक से। प्लीज अगर लुक चेंज करनी है तो मेकअप चेंज करो, हेयर स्टाइल चेंज करो। यू मीन द मेकिंग द ओवर? मास्टर प्लानिंग। क्या आप ना अपनी हेयर स्टाइलिंग चेंज करा लो। हेयर स्टाइलिंग नॉट अ बैड आइडिया। चल तुम उसमें देखो, मैं इसमें देखती हूँ। बड़े सारे हैं इसमें, मैं बताती हूँ। सुपर, मिल गया यही वाला है। डॉली कौन सा वाला? लेफ्ट वाला। ये ऐसे अपस्टैंडिंग बाल ठीक लगेंगे? डॉली उसको अपस्टैंडिंग नहीं कहते, आउटस्टैंडिंग कहते, आउटस्टैंडिंग लुक। राजदीप तो बस देखते रह जाएंगे। अच्छा पर एक प्रॉब्लम है, कराए किससे कट? आइडिया, हमारे घर के पास एक नया सलून नहीं खुला? कौन सा? देखा नहीं तुमने? नहीं। वो बड़ा प्यारा सा नाम है, वो क्या? बिल्लू, बिल्लू बार्बर। बिल्लू बार्बर? हाँ, मेरी फ्रेंड अभी अभी वहाँ से हेयर कट करा के आई है। ओ, ओ, फैंटास्टिक रिजल्ट। अच्छा चलो हम भी लेते हैं फैंटास्टिक रिजल्ट। बिल्लू बार्बर, हियर वी कम। The name is Billu, Billu Barber. Hello, यही है वो। ये आपको ना बिल्कुल सेम टू सेम स्टाइलिंग करनी है। ये आपके ऊपर? यस। कितना सुंदर चेहरा है आपका, ये क्या करना चाह रही है? वो क्या है ना, इनको अपने हस्बैंड के लिए किलर लुक चाहिए। किलर? आप चाहती हैं कि इनके हस्बैंड देख के मर जाए? एक्चुअली ना,
पहले मैं भी बड़ा डर रही थी, पर मैंने सोचा फिर डिसाइड किया कि मेरे हस्बैंड को ना ये लुक बहुत अच्छी लगेगी, एकदम डिफरेंट है ना। और क्या, आप तो बस मक्खी पे मक्खी मार दो। जी आप, मैं मक्खी मारूंगी, बाल काटूंगी, बताइए। मेरा मतलब है आप सेम टू सेम डिटो कॉपी कटिंग कर दो। ठीक है, तो ऐसा है, हमारे यहाँ एक माया जी हैं, वो इस तरह की हरकतें करती हैं, वो अक्सर चेहरे पे ऐसा हेलमेट पहनाती हैं, उसके बाद थोड़ा केमिकल डालती हैं, फिर बालों को शेव कर देती हैं। मैं बोला तो माया जी। Clap your hands, stop your feet. मंदिर जाके आए? हेलो प्लीज, व्हाट हैपेंड टू दैट किलर हेयर कट? वैसे इतना भी बुरा नहीं है जितना तुम कर रहे हो। मेरी हैवी मिस्टेकिंग की वजह से। और देखो ना, अब राधिका कह रही थी राइट फोटो, मैंने सोचा लेफ्ट फोटो ही राइट फोटो है। अगर चीजा में होंगे तो मालिनी, तुम हो, तुम, ये मालिनी है। पहचाना, ये अपनी दी है। मालिनी, ये क्या हो गया? मैं करूंगी ना, मैं करूंगी। वो बिल्लू बार्बर है ना, उसके पास बहुत सारे बाल होंगे, वहां से लाकर इधर ऐसे जॉइनिंग कर दूंगी। बिल्लू, ओ साइंटिस्ट मैडम, ये क्या फर्नीचर है कि जब चाहिए जोड़ दिया, जब चाहिए तोड़ दिया। कोई नहीं, मेरे पास एक और फ्रेश आइडिया है। हाँ। वो कहना, मैं जब वेडिंग्स पे जाती हूँ ना, तो नकली जूड़ा लगा के जाती हूँ। कुछ नहीं करना होता, ऐसे पिनों से जूड़े को चिपका दो, ऐसे बाल बांध दो, कुछ पकड़ा ही नहीं जाएगा। ब्रिलियंट, आई टेल यू, आप लेडीज का ना असली क्या है नकली क्या है कुछ पता ही नहीं चलता। मेरा एक दोस्त है, विदाउट मेकअप के ना अपनी बीवी को भाभी बुलाता है। वालिया। नहीं नहीं, मैं बस अभी उन्हें हेयर स्ट्रेट कराती हूं। क्या हो गया? दी, डोंट वरी, कुछ नहीं, तो ये बाल बर्तन धोने के तो काम आ ही जाएंगे। स्क्रब मम्मी की, तुम जहां मैं जाती हूँ वहां जरूरी है। चल सीधा चल, मेरे मुंह से क्यों मार रहा है? झड़ पुत्र उलट जाएगा सारा। ओ वो, ये देखो सारा उठा दिया। अरे कुछ नहीं, देख तो सही, देख देख राधिका जी पहचान, देख तो सही। अच्छा हेलो बोल, हाँ जी हेलो बोल, देख कुछ नहीं, ऐसी ओवर एक्टिंग करता रहता है। घूरना बंद करे। ओ हैप्पी सिंह, चल पुत्र काकू को घूर, बात बंद कर। और ये बता, अगर मेरा ये चूड़ा खुलकर गिर गया तो क्या करेंगे? प्लीज डोंट वरी, इसको सुपर ग्लू से चिपकाया है। अगर आप पेड़ से उल्टा लटक जाएंगी ना, तब भी ये नहीं खुलेगी। करेक्ट। और रात को लाइटा बंद। डन, ओके, इट्स डिसाइडेड। और हैप्पी जी,
आप अपना मुंह बंद रखेंगे और किसी को नहीं बताएंगे कि ये क्या एक्चुअली बाल कैसे है। कुछ बदला बदला सा लग रहा है। क्या? नहीं, माहौल, घर। फरवरी से सोमवार से गुरुवार रात 8:30 बजे सिर्फ इमेजिन पर। क्योंकि ये तो घर की बात है। आइए आइए आइए, जीज आ गए, जीज आ गए, आइए ना जीज, बैठी ना बैठी ना। अरे हाँ, हाँ जीज जीज, हाँ। क्या पिए, चाय या कॉफी? चाय पिला। गुड। थोड़ा और सोचिए ना, हो सकता है थोड़ी देर बाद आपको जूस पीने का मन करे। कुछ बदला बदला सा लग रहा है। नहीं, माहौल, घर, क्या क्या हुआ क्या? ना मैंने बाल काटे, ना मम्मी ने, ना माली ने, ना कक्कू ने। देखा मम्मी, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। अभी नॉनसेंसिकल गता करी जानता है, लेकिन अपने पापा में गए। राधिका, तुमने बाल तो नहीं कटा? मेहंदी है ना अंदर, लग जाएगी मेहंदी। नेवर कट योर हेयर प्लीज। अच्छा देखो, मैं तुम्हारे लिए, यू नो, मैं उस पार कहाँ गए? क्या बेटा? अंकल ये राधिका कहाँ गई? इमोशनल हो गई। आपने बाल की तारीफ की ना, इमोशनल हो गई। और इन तीनों को क्या हुआ? ये दी की इमोशन में बह गई। छोड़िए ना, आप आपने क्या डिसाइड किया, चाय कॉफी या फिर जूस? यार तुम चल जूस पीला ना यार। गुड, वहां फ्रूट्स हैं, बना लेना। God, I'm getting emotional. Tea? I was missing this family. देख के मुझे हार्ट अटैक आ जाएगा। कक्कू प्लीज, मुझे राजदीप ढूंढ रहे, कुछ कहे। इतने बालों में कहाँ मिलेंगे आप? राधिका, राधिका तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें कब से बुला रहा हूँ। ये कक्कू की तबीयत ठीक नहीं है, कब से घास रहा था। हाँ लेकिन तुम ये मेरा नाम चिंचिंचू बन के क्यों बैठी? अरे इतना बुरा इन्फेक्शन हो रहा है ना, तो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही थी। ओके ओके, ओ माय गॉड, मुझे तो लग गया। तुम जाओ यहाँ से। हाँ तुमने अभी कहा कि इसे खांसी हुई है? सुनो, घर के सारे लाइट्स ऑन कर दो, घर में कोई घुसा हुआ है। क्या? हाँ, मैंने अभी उसे किचन में देखा, लेकिन अब वो वहाँ पे नहीं है, भाग गया वहाँ से। कौन हो सकती है, सकता है? I don't know, I have no idea. उसके भयंकर बड़े बड़े ऐसे डरावने बाल थे, कोई अफ्रीकन थी। You guys be careful, I'm going to call the cops right away. राजदीप, पुलिस? पुलिस को बुला रहे हैं? पुलिस? मुझे भी छुपा लो टोपी में। तो घर की बात है। आया रे, आया बाल।
मेरा पेन तो कहीं है। लीव मी। कितने आदमी? नहीं आदमी कोई नहीं था, कोई जानवर था। जी कितने बजे? दो या तीन? तीन। श्योर? जी श्योर। तीन बजे के करीब करीब आप इसके करीब क्या कर रहे थे? वो मैं किचन में पानी पीने जा रहा था। किचन में पानी पीने के लिए? सो एलस। जेंटलमैन जी, बेडरूम में वाटर बॉटल क्यों नहीं रखते अपने साथ? नाइट प्लानिंग किया करो। उससे क्या है? अरे वाइट चेक फ्रीज। अस्सलाम वालेकुम। वही जब वहां मजल की तो भाई ये तकबिला सा विंता तो फिंगर प्रिंट। फिंगर प्रिंट? क्या बोल क्या रहा है? ये समझ गई है अल्फ्रिंग प्रिंटा। फिंगर प्रिंट क्या? क्या मरहबा दुबई इल्ले? दुबई? अरे दुबई नहीं भाई, मुंबई। ये मेरी बीवी है। हाँ वो मेहंदी लगाई है बालों में इसीलिए। मेहंदी? फ्रीज। तीन बजे के करीब करीब आप उसके करीब क्या कर रही थी? भैया वो नहीं थी यहाँ पर, वो मेरे साले को दवाई पिला रही थी। साला गोल मटोल साला। साला होल्ड इट, होल्ड इट, फ्रीज फ्रीज, गिव टू मी। व्हाट? वेट, स्टॉप इट। हां आई सेड स्टॉप इट इमीडिएटली। इमीडिएटली साला तुमने कुछ सुना? नहीं मैं तो उसे दवा पिला रही थी ना। दवाई पिला रही थी? होल्ड दिस फुट की, होल्ड दिस, गिव इट टू हर, गिव इट माय साइड इमीडिएटली, फ्रीज स्टॉप इट। थैंक यू। दवाई तो तुम अपने हाथों से पिला रही थी, कान तो खुल लेते ना तुम्हारे। हाँ पर ये बहुत जोर जोर से खराटे लेता है इसलिए कुछ और सुनाई नहीं देता। क्यों खराटे गेट? ये जागते हुए खराटे कैसे ले सकता है? या सोते हुए तुमने इसे दवाई दी? शायद मैंने कुछ नहीं सुना। नाइस वॉल्स। इसने कुछ नहीं सुना लेकिन अब जो सुनेगा वो कोर्ट सुनेगा। मॉजियम जेंटलमैन राजदीप प्लीज कम। होल्ड दिस, होल्ड दिस, प्लीज। हाँ हाँ लाइए। टॉप इट। थैंक यू, प्लीज कम। सुन ना, सुन, राजदीप को सब सच बता देते और इस डिटेक्टिव को ना भगा यहाँ से। अगर जीज को सब सच बता दिया ना तो डिटेक्टिव बाद में भागेगा, पहले जीज भाग जाएंगे। ये मामला तो सीरियस हो गया और वो तो हम ही पे शक कर रहा है कक्कू। अरे वो कुछ नहीं करेगा, दो चार सवाल पूछेगा और चला जाएगा। हाँ पर उसके पास मेरे फिंगरप्रिंट्स पहुंच गए। कैसे लेता है फिंगरप्रिंट्स? हाँ। अरे मुझे तो डिटेक्टिव बेवकूफ लगता है। हेलो सर, आपने कुछ सुना? ये मेरा सवाल है। Leave me. Myself. Main agent Kamlesh. Sorry, हमारा बीमा हो चुका है। अरे नहीं नहीं ये बीमा वाले नहीं है, ये डिटेक्टिव है। हाँ पुलिस है ये। कल रात को हमारे घर में कोई घुस गया था तो उसकी तहकीकात करने ये आए हैं। खुशी फैमिली नेबर्स? जी वो अक्सर यहीं पे रहती है। Excuse me. Yours? Same one? राजदीप, कल रात को हमारे घर कोई चोर वोर नहीं आया था, वो मैं थी। हाँ एग्जैक्टली, ये ऐसा ही कुछ घूम रहा था अंधेरे में। लेकिन टेल मी वन थिंग बेबी, हाउ डिड यू मैनेज दिस? मैंने सोचा था कि तुम्हें नया हेयर कट करके ना सरप्राइज दूंगी पर ये हो गया। आई एम वेरी सॉरी राजदीप भाई साहब, बट आई प्रॉमिस एक हफ्ते में सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। आई I...
डार्लिंग, मुझे इस बात का अफसोस नहीं कि तुम्हारे बाल बिगड़ गए। आई मीन वो एक हफ्ते में ठीक भी हो जाएंगे, लेकिन मुझे इस बात का दुख है कि तुमने मुझ पे भरोसा नहीं किया। अगर तुम मेरे लिए ये हालत कर सकती हो तो मैं भी तुम्हें किसी भी हालत में प्यार कर सकता हूँ, रादर करता हूँ। I love you even more. Love you, Rajdeep. Sorry. बाल बाल देखो, हजार बाल देखो, ये देखने की चीज है, हमारा दिल रुबा तालियों। राधिका बहन जी के बालों को देख के कोई रोमांटिक सा गाना गाया था। हाँ। तुम्हें पता डॉली ने मुझसे गाना गवाने के लिए क्या कर दिया? क्या? देखो तो घर की बात है। कल 9:30 बजे देखिए मैंने एक होम थिएटर सिस्टम खरीदेगा।